Hi guys, welcome back to my channel Girl Next Door. Happy Pongal, Makar Sankranti, Lodi, Uttarayan to all of you guys. तो बहुत सारे फेस्टिवल एक साथ आ रहे हैं, तो हम बंगालीज में संक्रांति में बहुत सारे मीठे बनते हैं. मैं खीर बनाती हूँ आज एंड बनाऊंगी मालपुआ. तो उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स है वो पहले दिखा देते हैं, ज्यादा ओवर द टॉप बात नहीं करेंगे. सो लेट्स स्ट्रेट कम टू द पॉइंट एंड शो यू द इंग्रेडिएंट्स. सो खीर के लिए पहले तो मैंने आधा लीटर दूध लिया है एंड ऑल्सो कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं. ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के ले सकते हैं, कोई भी. मेरे पास मैंने काजू किशमिश और बादाम लिया है और मैंने ये चावल लिया है. ये वेस्ट बंगाल में मिलता है, यहाँ पे मुझे पता नहीं वैरायटी कौन सा है होगा, पर ये गोविंदभोग राइस बोलते हैं इसको. बहुत ही फाइन दाना है इसका एंड खुशबू आती है इसमें से, बहुत ही स्वीट सा खुशबू है. भी यहाँ के चावल में ऐसी खुशबू तो नहीं मिली मुझे, बट ऐसे फाइन ग्रेन्स आपको मिल जाएंगे बाजार में. तो ये चावल मैंने लिया है खीर के लिए. तो आधा लीटर दूध के लिए मैंने ये करीब 2 बड़े चम्मच जैसा जितना लिया है. तो इसको हम पहले धो लेंगे. सो ये दूध आधा लीटर मैंने लिया है, गैस में चढ़ा देंगे. थ्रू आउट द प्रोसेस गैस का जो फ्लेम है वो एकदम स्लो टू मीडियम रखेंगे, ज्यादातर स्लो ही करेंगे. तो अभी थोड़ा सा दूध बॉयल होना चालू हो जाए, देन आई विल पुट द राइस. अभी जब तक दूध बॉयल होता है मैंने चावल को धो लिया है. ओके, नाउ ये सब लोग नहीं करते हैं, बट दिस ट्रिक माय मॉम हैज सेड मी. तो इसमें मैंने बस एक चुटकी नमक, मतलब इतना सा नमक दिया है. मैं कैसे दिखाऊं, इतना सा, क्योंकि नमक डालने से मीठा और भी ज्यादा निखर के आता है. सीम्स एंड आई एड अ लिटिल बिट ऑफ घी. सो जस्ट बिकॉज आपको चावल को रब करना है घी और थोड़ा 1 पिंच नमक के साथ, मतलब चावल में उसकी स्मेल, घी की स्मेल आ जाए. रब कर लिया है, इट स्मेल्स अमेजिंग. तो अभी इसको हम दूध में डाल देंगे. मैं जो मालपुआ के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से किशमिश लिया है और थोड़े से नारियल, फ्रेश नारियल है ये, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं. जब तक मैं ये कर रही हूँ, खीर के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है. तो आई विल ऐड, मतलब जितना सूजी उतना मैदा. वन पिंच ऑफ सॉल्ट और बीच बीच में खीर को चला दे रहना है ताकि नीचे लग ना जाए, क्योंकि दूध में चावल पकेगा देयर इज अ हाई चांस कि वो लग जाएगा. नाउ आप इसमें चीनी भी डाल सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो. ये है खेजूरेर गुड़, ये ज्यादातर वेस्ट बंगाल में ही मिलता है, मैं तो घर से मंगाती हूँ. मीठा अपने हिसाब से, जितना आपको मीठा पसंद है. बैटर जैसा बनाना है, पर ना तो ज्यादा पतला बनाना है ना तो ज्यादा गाढ़ा. ध्यान से पानी डालिएगा, ज्यादा हो जाएगा तो मालपुआ होगा नहीं, कुछ और बन जाएगा. आपने देखा मैंने बहुत ही कम पानी डाला है. द बैटर कंसिस्टेंसी शुड बी दिस वन, नॉट पोरिंग, नॉट टू थिक लाइक दिस. इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना है ताकि सूजी थोड़ा पानी सोक करेगा. सो अभी दूध उबल रहा है, इसको बीच बीच में चला दे रहना है और
गैस को एकदम स्लो पे ही रखना है, मीडियम भी नहीं चाहिए, स्लो। सो जब तक ये बॉईल होता है विल कम बैक टू यू, और 10 मिनट के बाद जब हम वो मालपुए फ्राई करेंगे। बहुत ही बॉईल हो रहा है, फ्लेम एकदम लो पे है, फिर भी इतना ज्यादा बॉईल हो रहा है क्योंकि दूध गाढ़ा होना चालू हो गया है, चावल भी गल गए हैं। घी में फ्राई करूंगी ड्राई फ्रूट्स, मैं थोड़ा सा घी डालूंगी, करीब एक चम्मच काजू और बादाम को। अभी इसमें किशमिश भी दे दूंगी मैं। सो इसी कढ़ाई में अभी हम ऑयल डालेंगे। आप चाहो तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं मालपुआ, बट वो थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा ऑयल जाएगा, और इसको थोड़ा मतलब हाई फ्लेम होना चाहिए। देने के बाद भी उसको तुरंत नहीं है पलटना है, इसको ऐसे तेल से रखना है, थोड़ा सा एक बार शेप पकड़ ले। आंच थोड़ा सा मीडियम टू स्लो ही रखे। और ये जो होल आया है ना गाइस, दिस वन, ये अगर आया है तो आपका बैटर परफेक्ट है और अच्छे से तल रहा है। मेरा तो फूल भी रहा है। आई एम नॉट फैसिनेटेड अबाउट दिस मीठा, मुझे सिर्फ खीर पसंद है एक तो बस। इसको तुरंत पलटना नहीं है, अभी तक मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है क्योंकि गुड़ अगर डालेंगे गरम में तो दूध फट जाएगा, एंड ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा ठंडे होने के बाद ही हम डालेंगे, तो ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आ जाए। गैस मैंने ऑफ कर दिया है, चावल पूरा बॉईल हो चुका है, खीर तो रूम टेम्परेचर में आ गया है। अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, खीर बहुत ही गाढ़ा है, ऐड द ड्राई फ्रूट्स फर्स्ट। और ये जो केसर वाला दूध मैंने रखा था ये भी मैं ऐड कर दूंगी, जस्ट टू एनहांस द फ्लेवर। ये ऑप्शनल है बिल्कुल भी, वैसे भी जब हम गुड़ डालेंगे तो इसका कलर वैसे भी नहीं दिखेगा। मीठा अपने हिसाब से डालिएगा, और मैं यहाँ पे आप चीनी शक्कर भी डाल सकते हो, तो अगर आप शक्कर डाल रहे हैं तो आप गैस ऑन करके भी शक्कर डाल सकते हो लास्ट में, जब चावल बॉईल हो जाएगा उसके बाद। गुड़ है इसलिए मैं गैस बंद करके फिर डाल रही हूँ 2 चम्मच बस, और ज्यादा नहीं डालना है। सो गुड़ बिल्कुल गल गया है, सो सर्व कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा टेक्सचर पतला हो गया है क्योंकि गुड़ ऐड करते वक्त थोड़ा सा पानी पानी रह जाता है, बट इट्स ओके, फ्रिज में जाते ही ये सेट हो जाएगा। ये रेडी है, इसको हम नूतन गुड़ेर पायस बोलते हैं, और नया जो राइस आ रहा है तो उसका खीर है ये, वो इसमें खाते हैं मकर संक्रांति में। ये मालपुआ एंड द नूतन गुड़ेर पायस। हैप्पी पोंगल उत्तरायण एंड मकर संक्रांति लोहड़ी टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। यू एंजॉय दिस स्वीट डेलिकेसीज इन योर होम, बहुत इजी है करना, एक बार ट्राई करके देखिए, और स्वीट अच्छा लगे। अगर आप गुड़ नहीं चाहते तो चीनी डाल के भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है गुड़,
क्योंकि हमारे वहाँ पे अभी नया गुड़ बन रहा है, तो इसीलिए वो उसमें से बनता है. सो यू मेक इट इन योर होम एंड एंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. टिल देन बाय बाय.